नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, लाखों की जिंदगी में बदलाव लाने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा जिंदगी भर अविवाहित रहे। यूं तो उनका भरा पूरा परिवार था, भाई बहन सब हैं, लेकिन दुनिया भर को जिंदगी का फलसफा सिखाने वाले रतन टाटा प्यार के मामले में उतने लकी साबित नहीं हुए। यूं तो रतन टाटा ने अपने प्यार परिवार के बारे में खुलकर बात की, बिजनेस की दुनिया के एक शहंशाह को बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी ग्रिवाल से प्यार भी हुआ था, लेकिन रतन टाटा की जिंदगी में पहला प्यार इसी उम्र में आया जब वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इश्क में डूबे रतन टाटा अपनी इस असली मोहब्बत को शादी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। अपने माँ बाप के तलाक, अपने बचपन और इस प्यार के बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया था। रतन टाटा जी ने 2022 में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए अपने इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के इन पहलुओं पर बात की। उन्होंने बताया कि मेरा बचपन बहुत ही खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरा भाई बड़े हुए, हमें अपने माता पिता के तलाक की वजह से काफ़ी ताने और परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन दिनों तलाक आज जितना सामान्य नहीं था, लेकिन हमारी दादी ने हर तरह से हमारी परवरिश की। जल्दी जब मेरी माँ ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के हमारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन हमारी दादी ने हमें हर हाल में अपनी गरिमा बनाए रखना सिखाया और यह मूल्य आज तक मेरे साथ है। इनमें उन स्थितियों से दूर हो जाना शामिल था जिनसे हम अन्यथा लड़ाई कर सकते थे। मुझे आज भी याद है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो मुझे और मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टी में लंदन ले गई। वहीं पर हमें ये मूल्य गहराई से सिखा गए। वो हमें कहती, ये मत कहो या इस बारे में चुप रहो, और वहीं से सबसे ऊपर गरिमा का विचार हमारे मन में गहराई से बैठ गया और वो हमेशा हमारे लिए वहाँ मौजूद रही। दादी की इस परवरिश में रतन टाटा को एक ऐसा इंसान बना दिया जिनसे शायद कभी किसी चीज़ की शिकायत ही नहीं की। वो आगे बताते हैं, मैं वायलिन सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पिता ने पियानो पे जोर दिया। मैं अमेरिका में कॉलेज जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने यूके पे जोर दिया। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे इंजीनियर बनने की जिद की। अगर मेरी दादी ना होती तो मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में कभी नहीं पहुंच पाता। उन्हीं की वजह से, हालांकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया था, मैंने अपना विषय बदल के आर्किटेक्चर में स्नातक किया। मेरे पिता काफ़ी नाराज थे और इस वजह से हमारे बीच काफ़ी तनाव हुआ, लेकिन आखिरकार कॉलेज में मैं अपनी खुद की पहचान बना पाया और मेरी दादी ने मुझे यह सिखाया कि नरमी और गरिमा के साथ आप साहस से अपनी बात कह सकते हैं। अपनी कॉलेज लाइफ और लॉस एंजलिस में हुए प्यार के बारे में बताते हुए रतन टाटा जी बताते हैं, कॉलेज के बाद मुझे लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिली, जहां मैंने 2 साल काम किया। वो बहुत ही अच्छा समय था, मौसम शानदार था, मेरे पास अपनी कार थी और मुझे अपना काम बहुत पसंद था। लॉस एंजलिस में मुझे प्यार हुआ और मैं लगभग शादी करने वाला था, लेकिन उसी समय मैंने भारत लौटने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला इंडिया में कुछ समय के लिए आने का ही था, क्योंकि मैं अपनी दादी से लगभग 7 साल दूर था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता था वो मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन 1962 के भारत और चीन के युद्ध के कारण उसके माता पिता उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे और इस वजह से हमारा रिश्ता जो है वो टूट गया। तो दोस्तों, इस तरह से रतन टाटा जी की शादी होते होते रह गई। तो दोस्तों, रतन टाटा जी की इस असली मोहब्बत के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।